नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। सो भाई, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने बेसो होले का 9 इंच का सिस्टम लिया था, एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, उसकी मैंने फिटिंग की है अपनी गाड़ी में। ठीक है, तो फिटिंग करने के बाद कैसा वो दिखता है, क्या क्या मुझे इश्यूज आए या कैसा उसकी परफॉर्मेंस है, उन चीज़ों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा, जो लोग भी बेसो होले का ये सिस्टम परचेज करने का सोच रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़रूर पूरी देखें, क्योंकि उनके इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डिसीजन चेंज हो सकते हैं, गारंटी कुछ ना कुछ चेंज होंगे। तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैंने इस सिस्टम के रिगार्डिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। आगे की वीडियो जो है वो गाड़ी में शूट हुई है, तो आप उस चीज़ को देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे वीडियो स्टार्ट करते ही बड़ी हंसी सी आ रही है, तो बात ही कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और शेयर क्या, इस वीडियो के लिए तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो लोग गलती से भी मार्केट से या फिर कहीं से भी, जैसे अमेज़ोन से मैंने लिया है, मैंने ये चीज़, ये प्रोडक्ट का नाम है बेसो होलिक, 9 इंच की स्क्रीन है, ये जो वेरिएंट है इसका है वो है 2 GB और 16 GB में। ठीक है, तो ज़रा मैं इनकी कुछ करतूतें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बेचारे भोले भाले लोग जो इन बेवकूफ़ बन जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं आप चीज़ को बता दूँ, लुक वाइज मैं आपको बता दूँ सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐप सामने आ जाती है गाइज, तो अच्छा यार, कलर अच्छे हैं। ठीक है, बॉक्स में वैसे मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, अब सारी डालूंगा। ठीक है, तो ठीक चलता है यार। पर देखिए सबसे मेन बात, अब अगर आप YouTube चलाओगे, ठीक है, मैं YouTube की बात करता हूँ, देखो पहले लोड होने में इतना टाइम है किसी के पास यार कि बस इतना टाइम वेट करेगा कोई। ठीक है, लो आप बस देख सकते हो, सबसे पहले वेट करो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसके बटन्स कन्फिगर किए थे। ठीक है, अब ये देखिए मैं कर रहा हूँ वॉल्यूम डाउन, तब भी ऊपर जाएगा, मैं कर रहा हूँ वॉल्यूम अप, तब ये म्यूट कर रहा है, ये कर रहा है। भाई इसमें मैंने बड़ी बार चेक किया, बहुत ही गलत हिसाब किताब है। अब अगर म्यूट करूँगा म्यूट से म्यूट होगा, भाई गलत है हिसाब किताब। चलो ठीक है, ये मैंने आप चीज़ को दिखा दिया। अच्छा, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब आप नॉर्मली, देखो मेरे ख्याल से स्टीरियो में आप दो चीज़ें चलाओगे, या तो आप YouTube चलाओगे या फिर आप मैप्स चलाओगे, गूगल मैप्स चलाओगे, तो भाई उसमें भी वही हिसाब किताब है, स्लो है बहुत, सर्च करने में आपका आधा घंटा लगा देगा। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा था इसको रिटर्न करूँ क्या करूँ चीज़ें, तो मैंने सोचा एक बार वीडियोस देखी YouTube पे, तो उसमें दिखाया कि यार ये ना बेवकूफ़ बनाते हैं कि 2 GB लिखा होता है पर होता नहीं है। तो पहले सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि एक्चुअली में ये दिखाता क्या है आपको। ठीक है, हम देखते हैं सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है, अगर हम सिस्टम सेटिंग्स में जाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सिस्टम में जाते हो तो अबाउट डिवाइस में आपको सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं बताया जाता। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 11 है, बाकी इसमें कुछ नहीं बताया जा रहा है कि रैम क्या है, रोम क्या। ठीक है, तो इसमें नहीं बताया जा रहा, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिस्टम की सेटिंग यहाँ पे अलग से दिखा रखी है ऐप्स में, ठीक है, ऐप करके इसमें आपको सब कुछ बताएंगे ये। अब लो रहा है गवर्नमेंट अबाउट में, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे गाइस, यहाँ देखो इंटरनल स्टोरेज 16 GB और जो रैम है आपकी 2 GB, उनकी अलग ऐप है, वहाँ पे नहीं बताएंगे जहाँ पे इसकी सेटिंग्स आती है एंड्रॉयड की। ठीक है, अब चेक करने के लिए जैसा वीडियोस में बताया गया था, मैंने एक ऐप इंस्टॉल की, मैंने भी चेक करने के लिए, ठीक है, एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ठीक है जी, यहाँ पे क्या बता रहा है कि डिवाइस चेक कर, डिवाइस ठीक है ये, ठीक है। और यहाँ देखो जी, टोटल रैम 1024 MB, 1024 MB का मतलब होता है 1 GB। ठीक है जी, और इंटरनल स्टोरेज 12.99 GB, चलो ये तो कोई बात नहीं, इसका कुछ नहीं। अब सिस्टम में हम चेक करते हैं, सिस्टम है जी इसका एंड्रॉयड वर्जन 8.1.2। इसका भी बना चलो गाइस, मेरा ये इन्फॉर्मेशन बना था, गलती से भी ये चीज़ ना ले, ऑनलाइन लेना कोई बुरी बात नहीं, ऑनलाइन
बहुत मतलब सतर्क होकर सतर्क होकर जाए, पता करें ढंग से चीज़ क्या है, तब जाके ले आया जाना ले जैसा फिर मेरे साथ हुआ। तो मैं तो सीधे सीधे इसको रिटर्न कर दूँगा और उसके बाद एक वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डालूँगा और अमेजोन पर भी डालूँगा। मैं तो बात करना चाहूँगा अमेजोन से, मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा कि किस बात मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अमेजोन की गलती नहीं है, अमेजोन नहीं करता ये चीज़, जो सेलर्स होते हैं वो चीज़ जो सेलर्स हैं वो डाटा लिखते हैं, वो डिटेल्स लिख रहे हैं। अमेजोन की चलो बीच में एक वे है बेचने का, लेकिन जो सेलर्स हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसकी मैं कंप्लेंट ज़रूर डालूँगा। तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यार प्लीज़ आप भी बच के रहें। मैंने तो ये कर लिया, मैंने ख़रीद लिया, अब मैं इसको वापस कर रहा हूँ। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो ना लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई आपका संगी साथी, आपका कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार प्लान कर रहे हैं इस चीज़ के लिए मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम लेने के लिए, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो याद रखिए गाइज, ये प्रोडक्ट है बेसोहोलिक का 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है। 2 GB 16 GB अंदर है आपका, 1 GB एंड्रॉयड वर्जन 11 अंदर मिल रहा है आपको 8.1। तो बहुत ही बहुत ही बहुत बड़ी बात है भाई। तो आई होप चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.